अग्निदेव कहते हैं, एक बार प्रभु श्री राम जी ने अपने भाइयों को संपूर्ण प्रजा के साथ बिठाया और उनके बीच में अद्भुत बात कही, कहा न्याय से धन उपार्जित किया जाता है तो वह दिन दूना रात्रि चौगने के रूप में बढ़ता है। ये राम के शब्द थे। राजा को चाहिए, परिवारिक जनों को चाहिए कि वह उसको बढ़ाएं, उसकी रक्षा करें और सतपात्र को हमेशा दान देते रहें। ये भगवान ने कहा। वह लोग इस धरती पर अति दुर्लभ हैं जिनके अंदर इतनी सी चीज़ें मिल जाएं। लिख लेना कौन कौन सी वह चीज़ें हैं जो चीज़ें व्यक्ति को देवता बना देती हैं। और यदि मैं कोई बात लिखने के लिए बहुत बात कहता हूं तो बहुत ज़्यादा मजबूत है। माइक खोलो, ज़्यादा बजनी के बात। स्वयं भगवान अग्नि देवता ने कहा, अहिंसा सुन्नता वाणी सत्यम सोचम दया क्षमा वर्णना लिंग नाम चैव सामान्यो धर्म उच्चते। बड़ी सुंदर बात कही है। विषय रूपी वन में इंद्रिय रूपी हाथी को वश में कैसे कर पाओगे? हाथी कैसे वश में होता है मालूम है? हाथी वश में होता है अंकुश के द्वारा। इंद्रियों को हाथी कहा, भोगों को जंगल कहा और ज्ञान को अंकुश कहा। आपके पास ज्ञान का अंकुश होगा तभी इन इंद्रियों के हाथी को रोक पाओगे, नहीं तो बड़ा मुश्किल है। क्या सुंदर सी बातें कही हैं कि ज्ञान कैसे आएगा? अहिंसा सुन्नता वाणी सत्यम सोचम दया क्षमा वर्ण नाम लिंग नाम चैव सामान्यो धर्म उच्चते। अग्नि देवता कहते हैं कि ये सब चीजें भैया आपको धार्मिक बना देती हैं। सबसे पहला है शुद्ध आचरण, पवित्र आचरण। स्वामी विवेकानंद जी महाराज जी की तरह पहली बार इस शिकागो की यात्रा में थे। अब सुन लो बात चली गई है तो, इन्होंने अपनी व्यासपीठ से बोला कि संत के दरबार में जो भी मांगा जाता है वह सब मिलता है। ये अपने दिव्य मंच से बोल गए स्वामी जी ये बात। साधु के दरबार में जो मांगोगे वही मिलेगा। तो बहुत लोगों ने उस बात को सुना। दिन डूब गया, रात हुई। स्वामी जी रात को एक घंटा सबसे मिलते थे। पूज्य स्वामी विवेकानंद जी महाराज रात्रिकालीन समय में एक घंटा वो सबसे मिलते थे और लोगों की भीड़ होती थी, एक एक व्यक्ति का वो प्रश्न सुनते। सेवाधारी चार जन उनके बिल्कुल पास बैठे हुए थे। सर्दी का समय था, भीड़ भाड़ ज्यादा थी मिलने वालों की। उसी भीड़ में एक युवती आई और वो स्वामी जी से मिलना चाहती थी। सूचना अंदर तक पहुंची, स्वामी जी ने कहा बहन को आने दीजिए। जैसे ही वो अंदर पहुंची तो वहाँ चार लोग बैठे हुए थे। वो स्वामी जी को बोली कि मैं अकेले में आपसे कुछ बात करूंगी, इन लोगों को बाहर निकाल दीजिए। स्वामी जी ने ताली ऐसे कुछ बजाई, वो चारों के चारों लोग दरवाजे से बाहर हुए। फिर स्वामी जी ने कहा, हाँ बहन बोलिए, आने का कारण क्या रहा, आप कैसे आए? साधु किसी नारी से दरवाजा बंद करके बात करे तो समझ लो कि अब उसका मरने का समय आ गया। स्वामी जी को पढ़ने वाला व्यक्ति उसकी साधुता डिग नहीं सकती, ऐसा महापुरुष। स्वामी जी ने कहा, बहन बोली आने का कारण? उसने कहा, हमने आपके प्रवचन में आज ही ये सुना है कि संत के दरबार में सब कुछ मिलता है। स्वामी जी ने कहा, वो तो मिलता है। तो कहा, मैं भी मांगने के लिए आई हूं, मुझे दे दो। स्वामी जी ने कहा, समय पर सब कुछ मिलता है। सर्दी समय पर आती है, वर्षा समय पर, ग्रीष्म समय पर, वृक्ष के ऊपर फल भी समय पर आते हैं। समय पर का तो समय का वायदा कर दो। उसने कुछ ऐसे शब्द बोले। स्वामी जी ने कहा, अब क्या बोलना चाह रही है? तो कहती है, स्वामी जी हम अपनी कोख से आप जैसा बेटा प्राप्त करना चाहती हैं, हमें आपसे आप जैसा बेटा चाहिए। आपने अपने प्रवचन में बोला है कि संत के दरबार में तो सब कुछ मिलता है, या फिर ये कह दीजिए कि आपकी बात मिथ्या है। स्वामी जी ने कहा, बिल्कुल मुझ जैसा ही चाहिए। उसने कहा, हाँ बिल्कुल आप ही जैसा चाहिए। कहा, एकदम बिल्कुल मुझ जैसा।
उसको ये लगा कि महात्मा मेरी बात में फंस गया, साधु को समझना बड़ा कठिन है। वह बोली, हाँ बाबा बिल्कुल मुझे आप ही जैसा चाहिए। तब स्वामी जी ने अपने गुरुदेव का ध्यान किया और अपने आसन से खड़े हुए और उस विदेशी स्त्री के सामने भारत का सन्यासी लंबा होकर के लेट गया, लंबे होकर प्रणाम किया और कहा, मैं भारत माता की कसम खाता हूं, आज से तू मेरी मां और मैं तेरा बेटा हूं। तूने कहा मुझ जैसा, और सुन, वो कहना ये चाहती थी कि मेरे संग विवाह करो और अपनी जैसी संतान को पैदा करो, उसका कहना ये था। तो स्वामी जी ने कहा कि सुन, ये गलती मत कर बैठना, विवेकानंद के संग विवाह करके विवेकानंद पैदा हो ये बिल्कुल गारंटी नहीं है। ये स्वामी जी बोले, आंख में आंसू आ गए, कहा मैं भारत माँ का लाल हूँ, देवी हम लोगों को संस्कार और आचरण में जीना सिखाया है, आज मेरे सामने इतनी पब्लिक है, इस धरती पर मेरी चरित्र की सुगंधी उड़ रही है। स्वामी जी कहते हैं कि हमने राम को पढ़ा है। स्वामी जी ने बहुत कुछ कहा, उसकी आंखें डबडब आ गई, वो लज्जित हो गई, वो शर्मिंदित हो गई। मैं इस ग्रंथ के माध्यम से कहना चाहूँगा, ऐसा धर्म में आचरण जिनके जीवन में है भैया, उन्हें भगवान के दरबार में जाना नहीं पड़ता, भगवान को ऐसे सज्जनों को लेने के लिए आना पड़ता।